हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, खबर तो निकल के सामने आई थी कि हावड़ा से वाराणसी के बीच में वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन हावड़ा को वंदे भारत ट्रेन दी जा रही है हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। तो दोस्तों, यहां पे अब हावड़ा के लिए बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने वाला है। दोस्तों, यहां पे बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी बड़ी खबर निकल के सामने आई है। बताया गया है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जो काम है वो शुरू हो जाएगा, उसका रूट क्लियर कर दिया गया है। इन चार जिलों से होकर गुजरेगी बुलेट ट्रेन, हावड़ा से वाराणसी के बीच में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में काफी गंभीर रूप से, काफी डिटेल रूप में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी ही अपडेट आप लोगों को चैनल पर मिलती रहती है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को। दोस्तों, एक तरफ भारतीय रेलवे नए नए रूटों पर वंदे भारत ट्रेन चला रहा है और दूसरी तरफ मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है बहुत जल्द ही बनके तैयार होने वाला है। बहुत जल्द ही भारत की पहली बुलेट ट्रेन भी चलने वाली है। दोस्तों, बुलेट ट्रेन की रफ्तार तो 260 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है, लेकिन वहीं तीसरी तरफ देखें तो भारत की पहली रैपिड रेल यानी दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का भी जो काम है काफी तेजी से चल रहा है। भारत की पहली रैपिड रेल बहुत जल्द ही चलने वाली है, उसकी स्पीड होगी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की। और दोस्तों, यहाँ पे जो वाराणसी से हावड़ा के बीच में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी उसकी स्पीड होगी 260 किलोमीटर प्रति घंटे की। और दोस्तों, यहाँ पे इसमें वाराणसी से जो हावड़ा का रूट है झारखंड में, इसके लिए कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद के रास्ते हावड़ा का रूट होगा। इससे पहले ये बिहार के सासाराम और गया से भी गुजरेगी। दोस्तों, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए झारखंड के पार्सननाथ से इस ट्रेन को गुजारा जाएगा, ताकि यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है, जिसकी वजह से यहाँ पे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। झारखंड होकर प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बिछाने और उस पर बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। पूर्व मध्य रेल मुख्यालय में भी रेल मंत्रालय के इस संदर्भ का पत्र आ गया है। हावड़ा से वाराणसी के बीच में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी बुलेट ट्रेन की शुरुआत के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी से हावड़ा के लिए जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी उसकी स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और ये ट्रेन हावड़ा से वाराणसी के डिस्टेंस को करीब 4 से 5 घंटे में पूरा करेगी। झारखंड में इसके लिए कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद के रास्ते हावड़ा तक इसका रूट होगा। बिहार में इसका रूट होगा गया और सासाराम के रास्ते। और दोस्तों, यहाँ पे ये जो बुलेट ट्रेन है 760 किलोमीटर के डिस्टेंस को लगभग 4 से 5 घंटे में पूरा करेगी। इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की, लेकिन इसकी ऑपरेशनल स्पीड होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की। एवरेज स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। यहाँ पे जो ट्रैक बिछाया जाएगा वो बुलेट ट्रेन का एक अलग ट्रैक होगा, नॉर्मल इंडियन रेलवे के ट्रैक्स पर नहीं चलेगी। यहाँ पे स्टैंडर्ड गेज तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पे सिग्नलिंग का जो सिस्टम होगा वो DSATC के द्वारा होगा। और दोस्तों, ट्रेन की कैपेसिटी होगी 750 पैसेंजर्स की। ट्रैक्शन होगा 25 किलोवाट AC ओवरहेड कैटेनरी वायर यानी जो OHE से सप्लाई दी जाती है, सेम वैसे ही होगा। दोस्तों, बुलेट ट्रेन में सेफ्टी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। जी हाँ, यहाँ पे अगर मान लीजिए कभी अर्थक्वेक आ जाता है तो अर्जेंटली यहाँ पे जो बुलेट ट्रेन है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगी और उसके बाद यहाँ पे अलार्म बजेगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे और ट्रेन रुक जाएगी। वाराणसी से हावड़ा के रूट पे 760 किलोमीटर के डिस्टेंस के साथ यहाँ पे ये कभी एलिवेटेड और कभी अंडरग्राउंड यानी टनल के रास्ते होते हुए या फिर कभी ऑन ग्राउंड यानी नॉर्मल लेवल पर भी चलेगी। और दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जो स्टेशन बनाए जाएंगे वो बताए जा रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड स्टेशन है यहाँ पे बताया जा रहा है वाराणसी, बक्सर, अरा, पटना, नवादा, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बुर्दमन और हावड़ा। दोस्तों, ये सब यहाँ पे बुलेट ट्रेन के जो स्टेशन है वो बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी ही अपडेट आप लोगों को रेगुलर मिलती रहती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में बात करेंगे हावड़ा वंदे भारत को लेकर। दोस्तों, जब तक के लिए आप लोग इन्जॉय करिए हमारी आने वाली और भी वीडियोज़ को और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।